हेलो 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 टेल मी आर यू गेटिंग माय वॉइस। ओके ओके गुड मॉर्निंग किंग गेमिंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन के जो नंबर होते हैं जेंडर और केस, नाउन के नंबर जेंडर केस, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाइए। अलीशा मौर्या, नितिन पांडे, नितिन यादव, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। डार्क आर्मी गुड मॉर्निंग। प्रशांत प्रशांत मिश्रा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शिवांगी दुबे, रिया दुबे, यस गुड मॉर्निंग। अंशिका शर्मा गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अध्ययन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नंबर जेंडर एंड केस। सो एवरीवन ज्वाइन द क्लास सून, देन वी विल स्टार्ट। हर्षित, योगेश दीक्षित गुड मॉर्निंग। यश राजवर्धन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। प्रिंस गुड मॉर्निंग। नवदीप कुमार गुड मॉर्निंग। तेजस गुप्ता गुड मॉर्निंग। प्रेम प्रकाश गुड मॉर्निंग। प्रीतम, एमडी अतुल बरकत गुड मॉर्निंग। अतुल सागर त्रिपाठी, तुलसी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अर्पित, सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। अरविंद यादव गुड मॉर्निंग। ऋषभ ऋषभ सोनकर गुड मॉर्निंग। शिवानी कुमारी गुड मॉर्निंग। योर ऑडियो इज नॉट कमिंग। मेरी ऑडियो नहीं आ रही है, मेरी आवाज? हेलो हेलो, नित्या बोल रही है कि योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है? टेल मी आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके गुड, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे करने दीजिए। सर यू आर ऑडिबल। ओके लेट्स बिगिन, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग। ओके लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। नाउन नंबर जेंडर एंड केस, ये तीन चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कट करके आवाज है। अवनी राजपूत गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अवनी। विपिन कोटारिया गुड मॉर्निंग विपिन एंड वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। चलिए आप लोग, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं नाउन के अंतर्गत आने वाले नंबर जेंडर एंड केस। नाउन के कितने नंबर होते हैं, कितने जेंडर होते हैं और उसके कितने केस होते हैं, ये तीन चीजें मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ, नंबर जेंडर एंड केस। ओके तो अभी आई थिंक वी शुड स्टार्ट। बाकी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं करने दीजिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं। योर वॉइस इज कमिंग रिया दुबे, वेरी गुड। चंद्रमुखी तिवारी गुड मॉर्निंग चंद्रमुखी। अरविंद यादव, पिक्चर क्लियर नहीं है, पिक्चर क्लियर जा रही है? वीडियो क्लैरिटी ठीक है? बैप, BAP, बैप बोले कि बाप बोले? गुड मॉर्निंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाकी जो जो ज्वाइन करेंगे ज्वाइन करते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग और स्टडी। देखिए नाउन, नाउन के अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे नंबर को, ठीक है? तो नाउन के कितने नंबर होते हैं? नाउन के दो नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। देखिए नाउन के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। यस
सिंगुलर नंबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं, इसके पहले वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के फाइव काइंड हम पढ़े थे। उसमें हमने एक और काइंड पढ़ा था, एक और कैटेगराइजेशन पढ़ा था कि नाउन को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया, एक तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। दो तरीके से हमने देखा था, एक तो काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। दो तरीके से नाउन होते हैं, एक तो काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। अब देख लेते हैं पहले इसको, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। देखिए जो नाउन काउंट किया जा सके, जिस नाउन को हम काउंट कर सके, जैसे अगर हम बॉय लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, बॉय गर्ल, इनको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने बॉय हैं कितने गर्ल्स हैं, ठीक है, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम नहीं गिन सकते, वो सब कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मिल्क, वाटर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब जो नंबर है जो हम पढ़ने वाले हैं, नंबर, ये नंबर जो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होते हैं, ये नंबर केवल उन्हीं नाउन्स के होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन के ही सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया। ओके, आइए अब हम देखते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो ध्यान देने वाली बात यह है पहले कि काउंटेबल नाउन को ही हम, उसके ही नंबर होते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है, ठीक है। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए अगर आपका नाउन केवल ओनली वन पर्सन को बताए, केवल एक पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में बताए, तब वहां पे सिंगुलर नाउन होता है। ओके, सिंगुलर नाउन जहां पे केवल एक संख्या पता चले, तब वहां पे सिंगुलर नाउन होता है। जैसे बॉय, अ बॉय, अ गर्ल, कैट, ठीक है, ये हो गया सिंगुलर नाउन। अब देख लेते हैं प्लूरल नाउन क्या होता है। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। देखिए अगर नाउन क्या बताए, मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग, एक से ज्यादा पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में बताए, उस नाउन से जो संख्या है, जो नंबर है वो एक से ज्यादा हो, अगर ऐसा पता चले तब वो प्लूरल नंबर होता है, उसे प्लूरल नाउन कहते हैं, ठीक है, वो सब प्लूरल नाउन कहलाते हैं या प्लूरल नंबर कहते हैं उसको, उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है, ठीक है।
और जो केवल एक को बताए, ओनली वन, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। ओके, सिंगुलर नंबर। ओके, क्लियर, समझ गए? एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या देखा, बॉय, अगर बॉय को प्लूरल बनाएंगे तो बॉयज हो जाएगा। बॉयज का मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा बॉय का पता चला है, इसलिए ये क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नंबर। ओके, गर्ल, अगर हम बोलते हैं गर्ल्स, तो गर्ल का मतलब सिंगल गर्ल, एंड गर्ल्स का मतलब मोर देन सिंगल। ओके, मोर देन वन, एक से अधिक, दो भी हो सकती है, 3, 5, 6, 10, 100, ठीक है, मोर देन वन, ये क्या होता है, प्लूरल। ओके, कैट है, सिंगुलर है, अगर प्लूरल होगा तो कैट्स हो जाएगा, कैट्स का मतलब मोर देन वन कैट, एक से ज्यादा कैट। ओके, ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप लोग दे रहे हैं, लेट मी सी, गर्ल्स, यस, वेरी गुड, हर्षित, एग्जांपल दीजिए फटाफट आप लोग। ऑक्सन इज प्लूरल नाउन, यस, वेरी गुड, करेक्ट। निर्मला सिंह, कैट्स, वेरी गुड। विशेष पांडे, बॉयज, करेक्ट। अपर्णा, कैट्स। रंजना, लीफ, लीफ सिंगुलर होगा, प्लूरल उसका लीव्स हो जाएगा। अपर्णा, दिव्या कुमारी, गर्ल्स, करेक्ट। तेजस गुप्ता, बॉय सिंगुलर है बेटा, तेजस, बॉय सिंगुलर है। विलेज, टीचर्स, यस, करेक्ट, करेक्ट। वैष्णवी राज, बेड्स। आयुषी, बॉयज, करेक्ट। आलोक राज, तुलसी सिटीज, करेक्ट। प्रशांत मिश्रा, स्टूडेंट्स, यस, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, करेक्ट। जानवी, आर्यन, करेक्ट, स्टूडेंट्स। डी आरजू, डी आयुष, पेंस, ऋषभ, स्टेट्स, करेक्ट। प्रेम, डॉग्स, वेरी करेक्ट। ओके, ओके, आपके एग्जांपल्स करेक्ट हैं। अरुण जयसवाल, पेंसिल्स, करेक्ट। स्टेट्स, डॉट्स, यस। हमने क्या देखा कि जब नाउन से किसी एक संख्या का पता चले कि एक ही नाउन है, एक ही पर्सन प्लेस थिंग है, तब वो सिंगुलर नंबर होता है, और एक से ज्यादा अगर है तो प्लूरल नंबर होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे है सिटी, सिटी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर है, अगर इसका प्लूरल होगा तो वो होगा सिटीज। ओके, एक एग्जांपल देते हैं ऑरेंज, इसका प्लूरल क्या होगा, ऑरेंज। वेरी गुड, अब देखिए एक एग्जांपल, जिसे भी आपने दिया लीफ, एल ई ए एफ, लीफ, इसका प्लूरल हो जाएगा एल ई ए वी ई एस। ओके, अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि कहीं पे प्लूरल बनाते समय एस हमने देखा, कहीं पे हमने ई एस देखा, और कहीं पे हमने आई ई एस देखा, और कहीं पे हमने वी ई एस देखा, ये अलग अलग क्यों, वाई देयर इज वेरिएशन। कहीं पे एस लगा रहे हैं तो प्लूरल बन जा रहा है, कहीं ई एस लगा रहे हैं तो प्लूरल बन जा रहा है, कहीं पे ई एस, एस, वी ई एस, ऐसे अलग अलग क्यों। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि इसके पीछे आखिर रूल क्या है। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है आपको, टेल मी, इतना क्लियर है? शुड आई इरेज, अभी इरेज कर दूं मैं? ओके, अभी देखते हैं हम कि सिंगुलर और प्लूरल का क्या मैटर है भाई। ओके, लेट अस सी सिंगुलर एंड प्लूरल, हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। अभी सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिंगुलर को कैसे प्लूरल बनाएंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग तेजस पाठक, गुड मॉर्निंग। ओके, आइए देखते हैं, ठीक है, देखिए पहला रूल हम देखते हैं कि
मोस्टली हम एस लगा के ही प्लूरल बनाते हैं, क्या लगा के, एस लगा के, एस को हम वर्ड में ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। एस को अगर हम ऐड करेंगे तो प्लूरल बन जाता है, जैसे अगर हम बोलते हैं बॉय, उसमें एस लगा दिए तो क्या बन गया, बॉयज, ठीक है। लेकिन एस के अलावा जो ई एस, आई ई एस, वी ई एस, ये सब कब लगाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात हम ध्यान देंगे कि जब वर्ड के अंत में, नाउन के अंत में सी एच एस डबल एस एस एच एक्स जेड, ये अगर वर्ड के लास्ट में होगा, सी एच एस डबल एस एस एच एक्स और जेड, ये अगर आपके नाउन्स के लास्ट में हैं तो हम उसके साथ में ई एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, ओके क्लियर। आइए हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे अगर सी एच है वर्ड के लास्ट में, अगर सी एच है तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं बेंच, बेंच है लास्ट में सी एच है, अगर सी एच लास्ट में है हमने क्या देखा कि हम ई एस लगाएंगे, इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे, एक से ज्यादा बेंच होगा तब क्या होगा, हम इसमें ई एस लगाएंगे, क्या हो जाएगा ये बेंचेस, ठीक है क्लियर। ऑस्ट्रिच, इसमें भी सी एच लास्ट में है तो इसमें हम ई एस लगाएंगे तब जाके प्लूरल बनेगा, ओके। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। देखिए हमने क्या दिखाया है, सी एच के जब लास्ट में होगा तो हम ई एस उसमें ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये सी एच है इसका प्रोनाउंसिएशन च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, च, नॉट क। अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन क होता है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन क हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम क करेंगे तब वहां पे ई एस नहीं लगेगा, फिर से समझ लीजिए आप लोग, अगर सी एच को हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे स्टोमक, जो हमारा पेट होता है उसको हम लोग स्टोमक कहते हैं, यहां पे सी एच है लास्ट में लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन च नहीं है बल्कि क है, स्टोमक। मोनार्क, मोनार्क मीन्स होता है किंग, राजा, तो यहां पे सी एच है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम क कर रहे हैं, मोनार्क, ओके। तब यहां पे ई एस न लगा के हम केवल एस लगाएंगे, ओके, यहां पे हो जाएगा स्टोमक्स और यहां पे हो जाएगा देखा आपने, यहां पे सी एच तो यहां भी है यहां भी है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान देंगे, अगर प्रोनाउंसिएशन च होगा तो ई एस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए, अगर प्रोनाउंसिएशन केवल क होगा तब उसमें हम क्या लगाएंगे बताइए, उस अगर उसका प्रोनाउंसिएशन सी एच तो है, स्पेल्ड है लास्ट में सी एच, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अगर उसका क है तब हम उसमें एस लगाएंगे या ई एस प्लूरल बनाने के लिए, टेल मी व्हाट शैल बी इट, एस, वेरी करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। चलिए अभी हम आगे मूव देखते हैं, दूसरा रूल देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एस का, जैसे अगर है बस, एस का एग्जांपल देखते हैं, बस, बस में हम ई एस लगाएंगे तो बन जाएगा बसेस, डबल एस है क्लास, क्लास में हम ई एस लगाएंगे बन जाएगा क्लासेस, ठीक है। एस एच है डिश, इसमें ई एस लगाएंगे बन जाएगा डिशेस, डिश होता है प्लेट, थाली जिसमें हम खाना खाते हैं। एक्स बॉक्स, बॉक्स में ई एस लगाएंगे बन जाएगा बॉक्सेस, ठीक है। जेड यहां पे क्विज,
क्विज होता है प्रश्नोत्तरी, क्विज में हम ईएस लगाते हैं तब ये प्लूरल बनता है, बन जाता है क्विजेस। ठीक है, समझ गए? तो ये थे एग्जाम्पल जिसमें हम ईएस लगाते हैं। क्लियर? अभी आगे देखते हैं, हम इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। ओके, अब आइए देखते हैं, जब अगर लास्ट में ओ है तो, अगर वर्ड के लास्ट में ओ है तो, अगर जो नाउन है उस नाउन के लास्ट का लेटर अगर ओ है तब उस कंडीशन में हम कैसे प्लूरल बनाएंगे। इसके दो रूल हैं, ठीक है, इसमें दो रूल हैं। पहला रूल ये है कि अगर इसके पहले कोई वॉवेल आता है, ओ के पहले अगर कोई वॉवेल है तो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है। देखिए दो कंडीशन है, ओ के पहले अगर वॉवेल है, ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट है। जैसे एग्जांपल से अगर देखते हैं हम मैंगो, मैंगो, रेडियो। देखिए दो एग्जांपल हमने देखा है यहां पे, लुक हियर, ओ के पहले यहां पे हमने क्या देखा, क्या है, एक आई है। आई क्या है? ओ के पहले हमने क्या देखा यहां पे, आई है। आई क्या है? आई क्या है बताइए? आई एक वॉवेल है। देखिए ओ के पहले हमने क्या देखा यहां पे, वॉवेल, और ओ के पहले हमने क्या देखा, देखिए यहां ओ है, ओ के पहले क्या है, जी है। जी क्या है? जी एक कॉन्सोनेंट है। ओके, अब देखिए जब ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा तब हम इसमें ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई एस, ई एस एड करके हम प्लूरल बनाते हैं। मैंगो है तो क्या हो जाएगा, मैंगो, अगर ओ के पहले यहां कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगा देंगे, बन जाएगा मैंगोज। क्लियर? अगर ओ के पहले वॉवेल है तब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एस, ओनली एस टू मेक प्लूरल। वी ऐड ओनली एस टू मेक प्लूरल इफ देयर इज अ वॉवेल बिफोर ओ। ओ के पहले अगर वॉवेल है तो उसके पहले, तो हम उसमें प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम एस ऐड करेंगे। तो रेडियो क्या बन जाएगा, रेडियोस, कुकू, कुकू। देखिए ओ के पहले ओ है तो क्या बन जाएगा, इसमें भी हम एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चलिए आप लोग ओ के पहले कॉन्सोनेंट है और ई एस लगाने वाले एग्जांपल्स भेजिए, कम ऑन, कमेंट में लिखिए। जैसे मैंगोज बना, लास्ट में ओ होना चाहिए और उसमें ई एस लगाना चाहिए। चलिए बताइए, इकोस, वेरी गुड, मैंगोज, करेक्ट, करेक्ट, पोटैटो, जानवी, करेक्ट, दिव्या, हीरोज, वेरी गुड। हीरोज का स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करिए, दिव्या, अपर्णा, मैंगोज, करेक्ट, पोटैटोज, टोमेटोज, अताउल बरकत, करेक्ट, जानवी, टोमेटोज, करेक्ट, स्वास्तिक दुबे, स्वास्तिका, करेक्ट, रिया, करेक्ट, हीरोज, मैंगोज, टोमेटोज, अरे पोटैटोज भी होगा, पोटैटोज लिखिए, यस, आरजू, आयुष, करेक्ट, टोमेटोज, पोटैटोज, मैंगोज, वेरी गुड, आप समझ गए। ठीक है, ये हमने ओ के बारे में किया। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी होते हैं जिनके साथ ये रूल मैच नहीं करता। जैसे अगर हम देखते हैं कमांडो,
कमांडो। देखिए यहाँ पे ओ है लास्ट में, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये एक्सेप्शन है भाई इसके साथ, इसको याद रखना पड़ेगा कि कमांडो के पहले, कमांडो में हम जब प्लूरल बनाते हैं तो इसमें केवल एस लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। देखिए यहाँ इसके पहले कॉन्सोनेंट तो है लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए कमांडोज में एस लगेगा। क्लियर? ओके चलिए अब समझ गया, आगे मूव करें, आगे मूव करें हम। चलिए यस यस चलिए अभी आगे देखते हैं। ठीक है अब हम तीसरा रूल देखते हैं कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना है। जैसे अगर जो आपका नाउन है वर्ड उसके लास्ट में वाई है, वाई है अगर लास्ट में, तब हम उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे, इसको भी, इसके भी दो कंडीशन है। ठीक है देखिए, एक तो जैसा ओ के साथ था वैसे ही कंडीशन इसके साथ भी है, वाई के पहले अगर वॉवेल है और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है। देखिए इसके भी दो कंडीशन है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट और वाई के पहले वॉवेल, दोनों के रूल अलग अलग है। अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेबी, सिटी, देख रहे हैं ये दोनों के जब y लास्ट में है और y के पहले क्या है b है, b ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। ओके यहाँ पे y है, y के पहले t है, t भी ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्लियर? देखिए अब y के पहले वॉवेल, ऐसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बॉय, टॉय, ठीक है बॉय, यहां पे वाई है लास्ट में, वाई के पहले वॉवेल है ओ, यहां पे भी वाई है लास्ट में, उसके पहले ओ है, वॉवेल है। ठीक है अब देखिए अगर वाई के पहले वॉवेल है तब इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस। क्लियर? अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें es, सॉरी यहां पे हम y को हटा देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तब हम y को रिमूव कर देते हैं, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे इसको, तब क्या करेंगे y की जगह पे हम i बना देंगे, y क्या बन जाएगा, i, वाई आई बन जाएगा और तब उसमें हम ई एस लगाते हैं। क्लियर? जैसे बेबी है तो यहां देखते हैं बी ए बी, वाई को हटा दिए, वाई को हम बना दिए आई और उसके बाद ई एस लगा दिए तो बन गया बेबीज। ओके सिटी है तो सी आई टी वाई, तो यहां वाई को हम हटा दिए। ठीक है हमने क्या देखा रूल कि वाई को हटा देना है अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो, टी कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा दिए, वाई की जगह पे बना दिए आई और आई के बाद हम लगा दिए ई एस, बन गया सिटीज। क्लियर? समझ में आ रहा है? और यहां पे अगर उसके पहले वॉवेल है तो हम केवल एस लगाएंगे, बॉय का बन जाएगा बॉयज और टॉय का बन जाएगा टॉयज। चलिए बताइए समझ में आया? अब कुछ एग्जाम्पल आप बताइए इसके, और भी एग्जाम्पल बताइए जिसमें लास्ट में वाई हो और उसके पहले, चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आप उसका प्लूरल बना के दिखाइए। ठीक है अगर मैं बोलता हूं कंट्री, इसका प्लूरल क्या होगा आप फटाफट कमेंट करके बताइए, कंट्री, कंट्री का प्लूरल बताइए, हाउ विल यू मेक प्लूरल ऑफ कंट्री वर्ड, अपर्णा कंट्रीज करेक्ट, मुस्कान गुप्ता करेक्ट, जानवी कंट्रीज वेरी करेक्ट, नित्या, प्रभाजी, शिवानी, दिव्या, आयुषी, प्रियांशिका, अर्पित,
कंट्रीज अतुल बरकत कृष्णा रितिका प्रांजल अलीशा मौर्य करेक्ट तेजस कंट्रीज दामिनी कंट्रीज अरुण रेशमी देवी प्रशांत मिश्रा कंट्रीज वैस या सतीश सिंह चौहान कंट्रीज करेक्ट यू आर ऑल करेक्ट वेल डन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड समझ गए आगे मूव करें समझ गए ना ठीक है आगे मूव करते हैं क्यों शिवांश त्रिपाठी कंट्रीज करेक्ट कृष्णा करेक्ट प्रांजल कंट्री की स्पेलिंग ठीक करिए रॉन्ग है चलिए आगे देखते हैं ओके वेरी गुड आपको समझ में आ रहा है ये बड़ी बात है ठीक है अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए क्लास के बाद आपको ये चीजें एकदम समझ में आ जानी चाहिए क्लास ओवर हो जाने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में आरजू आयुष कंट्रीज करेक्ट है स्वास्तिका दुबे कंट्रीज करेक्ट है अनुराग यादव करेक्ट यस आइए देखते हैं आप आगे कि और भी हम कैसे चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं ठीक है अपर्णा कॉपीज करेक्ट बैरियर्स रिया दुबे बैरियर्स बैरीज बेरीज कंट्रीज होगा अनुराग यस करेक्ट अनुराग यू आर ऑल करेक्ट आइए देखते हैं कि अब और कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं ठीक है अगर मान लीजिए कि आपके नाउन के लास्ट में नाउन के अंत में वर्ड के अंत में अगर एफ है या एफ ई है ठीक है अगर वर्ड के अंत में एफ है या एफ ई है तब हम इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे जैसे एग्जांपल अगर देखते हैं कि नाइफ नाइफ क्या होता है नाइफ में होता है चाकू जिसे हम सब्जियां काटते हैं तो नाइफ में देखिए लास्ट में एफ ई है एक और एग्जांपल देखते हैं एल ई ए एफ लीफ लीफ मींस क्या होता है पत्ती पत्ती होती है लीफ मींस होता है पत्ती ठीक है ये लीफ है इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे देखिए यहां पे भी लास्ट में एफ ई है और यहां पे लास्ट में एफ है हमने क्या देखा कि एफ और एफ ई अगर वर्ड के लास्ट में है तो उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे उसका रूल तो जान लीजिए यस प्लूरल बना लेंगे लीव्स हो जाएगा नाइफ्स हो जाएगा करेक्ट लेकिन रूल क्या है देख लीजिए अगर लास्ट में एफ और एफ ई है तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं इनको भी हम हटा देते हैं समझ रहे हैं आप लोग इनको भी हम रिमूव कर देते हैं तो इनकी जगह क्या लिखते हैं हम इनकी जगह हम लिखते हैं वी ई एस क्या यूज करेंगे हम वी ई एस रूल समझ लीजिए अगर आप रूल समझ गए तो अपने से वर्ड को प्लूरल बना लेंगे ठीक है ओके अब देखते हैं अब रूल को हम अप्लाई करते हैं देखिए अगर यहां पे नाइफ है अब इस रूल को हम यहां पे अप्लाई करते हैं एफ ई है लास्ट में अब इसको चेंज करके देखते हैं तो हम लिखते हैं के एन आई अब एफ ई को हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे वी ई एस लिखते हैं वी ई एस तो हमने क्या देखा नाइफ का प्लूरल क्या होता है नाइव्स नाइफ मीन्स एक चक्कू और नाइव्स मतलब एक से ज्यादा कई चक्कू ठीक है वैसे ही यहां पे भी आइए रूल को अप्लाई करते हैं लीफ यहां पे लास्ट में एफ है तो हम एफ को रिमूव करने वाले हैं एल ई ए एफ को हटा दिए रिमूव कर दिए अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे वी ई एस वी ई एस देखिए समझ में आ रहा है अब लीफ का लीव्स हो गया ठीक है लीफ मतलब एक पत्ती और लीव्स का मतलब एक से ज्यादा पत्तियां ठीक है एक से ज्यादा पत्तियां यहां दो भी पत्ती हो सकती है तीन पत्ती हो सकती है चार पत्तियां हो सकती है ठीक है मोर देन वन का मतलब दो भी चार भी दस हंड्रेड थाउजेंड जितना भी हो सकते हैं ठीक है हाँ वेरी गुड वुल्फ रितिका भारती ने एग्जाम्पल दिया है वुल्फ करेक्ट है इन्होंने क्या कहा जैसे वुल्फ है यहां पे एफ है लास्ट में इसको हम रिमूव करेंगे और एफ को हटा देंगे एफ की जगह पे क्या लिखेंगे हम वी ई एस
वुल्व्स हो जाएगा। तेजस गुप्ता वुल्व्स करेक्ट। शिवांगी शिवांग दुबे रिया दुबे वाइल्स करेक्ट। आपने वाइल्स लिखा है वाइल्स। देखिए वाइफ है, वाइफ वर्ड से बना है। वाइफ होता है, वाइफ मीन्स होता है पत्नी। ये एफ ई लास्ट में इसको रिमूव कर देंगे और एफ ई ई की जगह पे हम क्या लिखते हैं डब्ल्यू वी ई एस। यहाँ पे क्या हो गया वी डब्ल्यू आई वी ई एस वाइफ बन गया। क्लियर। सेल्स करेक्ट। जानवी वेरी करेक्ट। रितिका भारती थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ये जो रूफ आप बता रहे रूफ का रूफ ये थोड़ा सा ये गलत मतलब ये नहीं है रॉन्ग है। एक्सेप्शन में अभी आपको बता दे रहा हूं। देखिए एक्सेप्शन जाना जरूरी है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या होता है वो रूल को फॉलो नहीं करता, रूल के को मानता ही नहीं वो। ठीक है जैसे यहां पे अगर रूफ है ठीक है यहां लास्ट में एफ है लेकिन ये रूल को नहीं मानता, रूल को फॉलो नहीं करता तो यहाँ पे एस ही लगेगा। ठीक है इसलिए रूफ का प्लूरल रूफ सी होता है। ठीक है क्लियर। रूफ का प्लूरल रूफ सी होता है। अंडरस्टूड यस। आयुषी रूफ करेक्ट। थीव थीव्स रेशमा देवी करेक्ट। प्रज्ञा सिंह रूफ रूफ अथीफ थीव्स करेक्ट। जो ये थीफ है टी एच आई ई एफ थीफ यहाँ एफ है, एफ को लास्ट में अगर है तो इसको रिमूव करेंगे, ये एक्सेप्शन नहीं है, इसका थीव्स हो जाएगा टी एच वी ई एस थीव्स। ओके करेक्ट समझ गए। अब आगे मूव करें। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। समझ गए तो बताइए आगे मूव करें। आप कुछ और रूल देख लेते हैं। One more exception there. अभी किसी ने कहा चीफ चीफ्स। देखिए एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं। ये अगर बोलते हैं चीफ लास्ट में एफ है ये भी एक्सेप्शन है, इसमें एस लगता है। क्लियर। इसी से बना जैसे हैंकर चीफ हैंकर चीफ ये भी अब एक्सेप्शन है, यहां पे भी एस लगता है हैंकर चीफ होता है। जो हैंकर चीफ होता है ना हाथ रुमाल ये हैंकर चीफ है। ओके इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में एफ है हैंकर चीफ में देखिए, लेकिन ये अपवाद है एक्सेप्शन है, ये रूल को फॉलो नहीं करता, ये बहुत बदमाश है। ठीक है ये रूल को फॉलो नहीं करता है, इसके साथ केवल एस चलता है। क्लियर। इस रूल को फॉलो नहीं करता है एक्सेप्शन है तो इसलिए हैंकर चीफ का प्लूरल क्या होगा हैंकर चीफ्स होगा, उसमें केवल एस लगेगा। क्लियर। बोलिए आगे चले। अभी चले आगे देखते अभी अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगर कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनमें एस या ई एस नहीं लगता बल्कि उसके बीच के लेटर्स चेंज हो जाते हैं, मीन्स उनके अंदर जो वॉवल्स होते हैं उनको बदल दिया जाता है, उस लेटर्स को ही चेंज कर दिया जाता है। जैसे कुछ जगह पे एस या ई एस नहीं लगता बल्कि जो बीच के वॉवल्स हैं उनके लेटर्स को, या कह सकते हैं कुछ जगह पे वॉवेल्स को चेंज कर देते हैं, वॉवेल को हम चेंज कर देते हैं, चेंज करके बनाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें हम मैन, मैन का मतलब एक आदमी वन मैन, लेकिन एक से ज्यादा आदमी होगा तो मैंस या मैंस ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तो एस लगेगा ना ई एस लगेगा ना आई ई एस कुछ भी नहीं, केवल इसका जो ये बीच का लेटर है ये जो वॉवल है उसको चेंज कर देंगे, मैन का क्या हो जाएगा मैन हो जाएगा। क्लियर। यहां पे हमने ए को ई कर दिया। क्लियर।
क्या बना दिया? यस करेक्ट, प्रज्ञा सिंह मैन का मैन बन गया। क्लियर? और भी एग्जांपल्स है, फुट, ये जो फुट है यहां पे इसको हम चेंज कर देते हैं, बन जाता है फीट। फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट होता है। ओके, जैसे और एग्जांपल टूथ है, टूथ का एग्जांपल टीथ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टीथ। क्लियर? यस करेक्ट। माउस का माइस, वेरी गुड। ये माउस है, यहां पे हमने लेटर्स को चेंज किया, क्या बन गया? माइस बन गया। वेरी गुड, यस प्रशंसा मिश्रा करेक्ट। टूथ का टीथ बन गया। जानवी फीट करेक्ट। गूज का गेज का हाथी, वेरी करेक्ट। देखिए गूज होता है, गूज एक पक्षी होता है, जब वो प्लूरल बनेगा तो यहां पे डबल ओ का डबल ई हो जाएगा, गीज बन जाएगा। ओके हाँ, वेरी गुड। राम कृष्णा वोमेन, जो वुमेन है, वुमेन का क्या बन जाएगा? वुमेन बन जाएगा, वुमेन। देखिए ए को ई बना दिया, प्लूरल बना के ए क्या बन गया? ए ई बन गया। ओके, आप देख रहे हैं कहां चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कहां पे चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ गए? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक हमने देखा था ऑक्स, ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, जैसे बॉक्स है तो बॉक्सेस में जाता है, बॉक्स में ईएस लगता है, बॉक्सेस जाता है, वैसे ऑक्स है तो ये क्यों नहीं लगा? ठीक है, तो ये इस रूल को फॉलो करता है, ऑक्स ऑक्सन। क्लियर? आप गलती से ऑक्सेस मत कर दीजिएगा। ओके, समझ गए? अगर समझ गए हो तो आगे मूव करें, कुछ और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को जेंडर भी पढ़ना है और केस भी पढ़ना है, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इरेज कर दूं? ऑक्सेस नहीं होगा? हेलो, अभी कौन मैसेज चला गया, किसी ने ऑक्स का ऑक्सेस लिखा, वो इनकरेक्ट है भाई। ऑक्स का ऑक्सन होता है, ऑक्सेस इनकरेक्ट है। ऑक्स का ऑक्सेस इनकरेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, ऑक्स का ऑक्सन होता है। चलिए अभी आगे देखते हैं, चाइल्ड का चिल्ड्रन, जिसका वेरी करेक्ट, जो चाइल्ड है उसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है, इसमें लेटर चेंज होते हैं। ठीक है, एस आई एस नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल, वो है कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनका सिंगुलर भी सेम, प्लूरल भी सेम, सिंगुलर भी सेम और प्लूरल भी सेम, सिंगुलर में भी वही सेम रहेगा और जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल का भी सेम ही वर्ड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो सिंगुलर भी सेम, सिंगुलर या प्लूरल दोनों में, दोनों कंडीशन में वो सेम रहता है, दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। जैसे शीप, शीप सिंगुलर में भी शीप होता है और प्लूरल में भी शीप होता है। फिश, डियर, इनका सिंगुलर भी सेम और प्लूरल भी सेम। पुलिस, सिंगुलर भी सेम और प्लूरल भी सेम। ओके करेक्ट, ठीक है, समझ गए? तो ये था हमारा नंबर, इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। डियर की स्पेलिंग गलत है, कृष्णा मोहन डियर की स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं आप, ठीक कर लीजिए। ठीक है, अपर्णा सीरीज, यस सीरीज का भी सिंगुलर सेम होता है,
प्लूरल भी सेम होता है, ठीक है? ओके, वाटर न्यूज, यस करेक्ट अरविंद, करेक्ट। न्यूज का न्यूज भी रहता है, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे मूव करें। समझ गए आप? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, मुस्कान गुप्ता, डियर डियर करेक्ट है। वैष्णवी राज, डियर की स्पेलिंग सही करिए, डी ई ए आर नहीं डी डबल ई आर। ओके, बाकी सही है। चलिए अभी आगे हम देखते हैं, जेंडर की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? अब जेंडर पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हमने पहले बता दिया था कि नंबर हमेशा जो प्लूरल बनाते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन का ही होगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनते है, बना जाता, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन का अगर प्लूरल आप बनाएंगे तब वो दूसरा नाउन बन जाएगा, वो तब वो प्लूरल नहीं बनता, तब वो उसका दूसरा सेंस हो जाता है। जैसे एग्जांपल है, अगर वुड, वुड क्या है? मटेरियल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। अगर इसको आप वुड्स कहते हैं तो वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट, इसका सेंस चेंज हो जाता है। अब फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक कॉमन नाउन है, क्लियर? तो ये प्लूरल नहीं है भाई, ये प्लूरल नहीं है, ये इसका मतलब फॉरेस्ट है। अगर हम वाटर कहते हैं, वाटर का प्लूरल नहीं होता। अगर हम वाटर्स बोलते हैं तो वाटर्स का मतलब होता है ओशन, महासागर, ठीक है? महासागर का मतलब हो जाता है समुद्र, ठीक है? तो इसलिए वाटर्स ये सिंगुलर प्लूरल में बस वाटर ही रहता है। अगर इस लगाए तो उसका मतलब निकल गया, वो फिर कॉमन नाउन बन गया, ठीक है? चलिए अब आइए देखते हैं हम जेंडर, नंबर को हम डिलीट कर देते हैं यहां से। अब बचा हमारा जेंडर, अब देखते हैं कि जेंडर कितने होते हैं, ठीक है? तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें जेंडर कितने होते हैं देखते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, एंड जो फोर्थ है वो क्या है? न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पे? फोर जेंडर होते हैं, देर आर फोर जेंडर्स इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है? पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। अब देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कृष्ण मोहन राठौर, फोर जेंडर, यस करेक्ट, यू आर राइट। मैस्कुलिन जेंडर, दैट इज द नाउन विच डिनोट्स मेल पर्सन, मेल पर्सन और मेल सेक्स, ठीक है? जो नाउन किसको बताता है? मेल पर्सन को बताता है, वही कहलाता है मैस्कुलिन जेंडर। इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ओके, इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, क्लियर? देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बॉय, बॉय एक मेल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फादर, फादर एक मेल पर्सन है, और ओके ब्रदर, ठीक है? इस तरीके से इसे हमें क्या पता चल रहा है? एक मेल पर्सन का पता चल रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। ओके, ग्रैंडफादर हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं, फेमिनिन जेंडर देख लेते हैं। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? द नाउन विच
denotes female, female person or sex. जो female person को बताए वो कहलाता है feminine gender. For example, girl, girl, mother, sister. ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फीमेल पर्सन को. ओके, तो ये क्या हो गए? फेमिनिन जेंडर. क्लियर, समझ गए? चलिए कुछ एग्जांपल बताइए, फेमिनिन जेंडर के एग्जांपल बताइए. वुमेन, करेक्ट. रश्मि, अपर्णा, सीता. या सीता फेमिनिन जेंडर है. ग्रैंड मदर, अतौल बरकत, करेक्ट. साइमा खान, ग्रैंड मदर, करेक्ट. सिस्टर, प्रेम प्रकाश, डॉटर, करेक्ट. जो एग्जाम्पल मैं लिखा वो नहीं, कुछ और बताइए. सिस्टर नहीं, रश्मि देवी, प्रिया. यस, प्रिया इज अ गर्ल नेम. सो पूनम, कृष्ण मोहन राठौर, करेक्ट. एक्ट्रेस, अपर्णा, एक्ट्रेस, करेक्ट. एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस होता ना, एक्टर हो गया मेल और एक्ट्रेस हो गई फीमेल, करेक्ट. चलिए आगे देखते हैं. क्लियर? यस. अब देख लेते हैं कॉमन जेंडर. अब देखते हैं कॉमन जेंडर. ओके, कॉमन जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल. देखिए, ऐसा जेंडर, ऐसा नाउन जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों को बताता है, दोनों को डिनोट करता है, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों को वो बताता है, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? कौन सा जेंडर रखा गया है? कॉमन जेंडर. उसमें मेल फीमेल दोनों का पता चलता है, दोनों हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टीचर की, टीचर, टीचर मेल भी टीचर होते हैं, फीमेल भी टीचर होते हैं, क्यों? और जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं. क्लियर? तो ये वर्ड क्या है? ये कॉमन जेंडर है. इससे दोनों मेल का और फीमेल का, दोनों पर्सन का पता चला है, दोनों सेक्स का पता चला है, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों का पता चला है, इसलिए ये कॉमन जेंडर है. ठीक है? जैसे सिंगर, वेरी गुड अपर्णा, सिंगर. रेशमि बेबी, प्रज्ञा डॉक्टर, प्रशांत मिश्रा पुलिस, अतौल बरकत पायलट, करेक्ट. ये सारे चीजें क्या है? कॉमन जेंडर के एग्जांपल्स है. जैसे सिंगर, नेबर भी होते हैं, फ्रेंड्स. देखिए, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, सिंगर, नेबर, या जितने भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन में तो हम एकदम वो कॉमन जेंडर ही होता है. डॉक्टर है तो वो डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं. डांसर, सिंगर, दामिनी डॉक्टर, डांसर, करेक्ट. कृष्ण मोहन डांसर, स्वीपर, करेक्ट. तेजस शर्मा, प्रीति कुमारी एक्टर, करेक्ट. डॉक्टर प्रशांत, लीडर. यस, करेक्ट. लीडर भाई, लीडर लेडी भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, करेक्ट. सर्वेंट जी, करेक्ट है. रितिका आर्टिस्ट, करेक्ट. अलीशा प्रिंसिपल, करेक्ट. पुलिस. वैश्वीरा टीचर, डॉक्टर स्टूडेंट. या यू आर राइट, करेक्ट. रितिका भारती आर्टिस्ट, करेक्ट. जानवी डांसर, करेक्ट. अरविंद यादव डॉक्टर, करेक्ट. यू आर ऑल करेक्ट. ओके, वेरी गुड. गेस्ट, गेस्ट भी है,
क्योंकि गेस फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है, ठीक है। कमांडर रश्मि देवी, यस करेक्ट। म्यूजिशियन अपर्णा, करेक्ट, यू आर ऑल करेक्ट। चिल्ड्रेन बच्चे, बॉय भी हो सकता है बच्चा, गर्ल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुक है, वेरी गुड, बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए। म्यूजिशियन प्रेमलता, करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि कॉमन जेंडर में मेल फीमेल दोनों का पता चलता है, ठीक है। और दोनों लोग, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, करेक्ट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? द नाउन which denotes non-living thing is called neuter gender। जो नॉन लिविंग थिंग है, ये ध्यान देने की वाली बात है, जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे ये नॉन लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, पेन, बुक, चेयर, टेबल, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। टेबल, मार्कर, डस्टर, ये डस्टर, मार्कर, पेन, बुक, चेयर, इसका जेंडर बता सकते हैं क्या? जो चेयर है या ये मार्कर लेडी है कि जेंट है, बताइए, ये मेल है कि फीमेल, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग है वो किस में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर। उनका कोई भी जेंडर हमको पता नहीं चलता है। बॉक्स, प्रेम प्रकाश कुमार, बॉक्स, करेक्ट। डेस्क, रितिका भारती, वॉच, यस वॉच, करेक्ट। वुड, जैस्मिन, करेक्ट। रेशमी देवी, चौक, करेक्ट। प्रशांत मिश्रा, टीवी, डेस्क, बेंच, करेक्ट, यू आर ऑल करेक्ट। जानवी, बोर्ड, अपर्णा, बेंच, या यू आर राइट। प्रेमलता, फैन, ऑयल, प्रांजल, हर्षित, मिल्क, कृष्णमोहन, चौक, करेक्ट। तेजस गुप्ता, यस यू आर राइट। चार्जर, अलीशा मौर्या, यस करेक्ट। जितनी भी चीजें, नितिन यादव, ग्लास, करेक्ट। ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी चीजें वो सब न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि हमें उसका सेक्स नहीं पता चलता कि वो मेल है कि फीमेल है। बॉल, रश्मि, करेक्ट। कृष्णमोहन मोबाइल, कृष्णमोहन राठौर मोबाइल, करेक्ट। अलीशा शर्मा, रेशमी देवी, बैट, स्टिक, चेयर, बॉल, ठीक है, यू आर ऑल करेक्ट। जैस्मिन, बॉल, करेक्ट। आर्यन कोटारिया, चेयर, यस करेक्ट। अताउल बरकत, बैट, यू आर ऑल राइट। तो हमने क्या देखा कि न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग को बताता है वो न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। थाली, ऋषि देव, यस करेक्ट। थाली, डिश जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी। जानवी, कारपेट, यस, ये सब। ट्यूबलाइट, कृष्ण मोहन राठौर, यस करेक्ट। अब समझ गए, सब समझ गए। वैष्णवी राज, कंप्यूटर, लैपटॉप, डोर, करेक्ट, यू आर ऑल राइट। अतुल बरकर, लैपटॉप, यस करेक्ट। अब इरेज कर दें, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, करेक्ट। नैनलता चौरसिया, यस, ठीक है। रश्मि देवी, पिलो, ठीक है। आगे मूव कर दें, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जेंडर। अब आइए देख लेते हैं केस। देखिए केस क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। केस ऐसा चीज है जो वर्ब के साथ उसका क्या रिलेशन है। कोई जो नाउन है उसका वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, ये बताते हैं केस, ठीक है। तो जो नाउन होता है उसका अलग अलग केस होता है। जैसे उसके तीन केस होते हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ओनली थ्री केसेस आते हैं। एक है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ओके।
दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा है पजेसिव केस। ध्यान से पढ़िएगा। अभी हम लोग देखेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं, ऐसे ही पजेसिव केस को भी एडजेक्टिव केस से भी के नाम से भी जानते हैं, एडजेक्टिव केस। ठीक है, अब आइए एक एक को समझ लेते हैं। क्लियर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी क्या करें? ये करना है कि नहीं करना है बताइए आप लोग। एक घंटे हो गए बताइए, 1 hour फिनिश, टेल मी। 10 मिनट में फिनिश कर दूंगा, 10 मिनट प्रीति कुमारी करना है। ओके टेल मी, अभी इसको कंटिन्यू करें, 10 मिनट में मैं फिनिश कर दूंगा, डोंट वरी। अगर 10 मिनट आप रुकेंगे, अभी 10 मिनट रुकेंगे, आर यू रेडी टू स्टे ओनली फॉर 10 मिनट्स? करना है, यस। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट देख देते हैं। वैष्णवी राज सर फिनिश्ड कर दीजिए। ओके कम ऑन, देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। ये वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं वैष्णवी राइट्स अ लेटर, देखिए यहां पे वैष्णवी राइट्स अ लेटर, ये एक सेंटेंस है। इसमें जो वो राइट्स है, ये वर्ब है, इसके साथ रिलेशन कर रहा है ये वैष्णवी। ये वैष्णवी द्वारा ये वर्ब एक्टिविटी की जा रही है। तो जो जो नाउन एक्शन करता है, एक्टिविटी करता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। उस सेंटेंस में वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ओके, इसी को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। और यही हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। तो यहां पे जो जिस जगह पे ये काम कर रहा है, ये क्या करता है? फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, फंक्शंस एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस या ऑफ द वर्ब, जो भी वर्ब है उसका ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसे ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। समझ गए? तो ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है यहां पे। क्लियर, समझ गए? ओके, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। लेट मी रेज इट, इसको आप नोट कर सकते हैं। जो सब्जेक्टिव केस है वो फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, देखिए वर्ब का के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं, ये कैसा काम करता है? फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, कोई भी वर्ब है उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तब वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, कोई भी नाम। जैसे अगर मैं बोलूं सुमित हेल्प्स वैष्णवी, अब देखिए यहां पे वैष्णवी ऑब्जेक्ट के रूप में आई है। ठीक है, सुमित हेल्प करता है, सुमित हेल्प करता है, किसको हेल्प कर रहा है? तो ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? वैष्णवी। ठीक है, सुमित जो भी एक्शन जिसके लिए कर रहा है, वो जो पर्सन है, वो जो नाउन है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे वैष्णवी ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो यहां पे ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, तो वैष्णवी यहां पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज है।
तो हमने क्या देखा कि जो नाउन है कभी सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है और कभी ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर। अब देख लेते हैं पजेसिव केस में। ठीक है, पजेसिव केस में क्या होता है कि वर्ब के साथ उसका रिलेशन शो करता है, उसका पजेशन शो करता है, शोज पजेशन। क्या शो करता है? पजेशन। जिस नाउन से पजेशन शो हो वही है पजेसिव केस। जैसे मैं एग्जांपल यहां लिख दूं, बोलते हैं अमित सिस्टर। देखिए अमित की बहन, यहां पे जो एपोस्ट्रॉफी है इसमें क्या होता है पजेशन शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफी करके एस लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के हम एस लगाते हैं तो उसका मतलब होता है का, उसका पजेशन हो जाता है, मतलब कि सिस्टर किसकी है, अमित की सिस्टर है। ठीक है, भाई के रूप में अमित सिस्टर के ऊपर किसका पोजीशन है, अमित का पोजीशन है। कह सकते हैं जैसे अक्षत बुक, तो ये बुक पे किसका पोजीशन है, अक्षत का, अक्षत की बुक। ठीक है, क्लियर। तो ये पोजीशन शो करता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, दो तरीके से पोजीशन होता है। एक तो कोई ह्यूमन बीइंग होगा तब वहां पे एपोस्ट्रॉफी करके एस लगाते हैं उसके लिए, पजेशन के लिए। लेकिन अगर वही नॉन लिविंग थिंग होगा, ठीक है, कोई नॉन लिविंग थिंग होगा तब हम वहां पे एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ऑफ। जैसे Doors of the house are very nice. देखिए यहां पे अगर हम बोले कि doors of the house, ये house का पोजिशन है, किसका पोजिशन है, house का पोजिशन है doors के ऊपर। House में जो दरवाजे हैं, house के दरवाजे, किसके दरवाजे, house के। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन लिविंग थिंग है इसलिए यहाँ पे हम ऐसे हाउस डोर नहीं कर सकते, हाउस एपोस्ट्रॉफी करके एस लगा के डोर्स आर वेरी नाइस, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ एपोस्ट्रॉफी करके एस नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, ऐसा रूल है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग होगा तो हम इसको क्या करेंगे, ऑफ लगा के, इसको पहले कर देंगे इसको बाद में, और ऑफ लगाएंगे। क्लियर, ऑफ, अंडरस्टूड, यस। रेशमि देवी ऑफ यूज करते हैं, करेक्ट, समझ में आ गया आप सबको, क्लियर, एनी डाउट। सर व्हाइट बोर्ड इज नॉट क्लियर। ठीक है, अभी टाइम भी ज्यादा हो गया, एक घंटे से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। नाउ टेल मी थ्रू योर कमेंट, हैव यू अंडरस्टूड, क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई, जो भी आज मैं पढ़ाया सब समझ में आ गया, बताइए, टेल मी, देन वी विल ओवर आवर क्लास। यस सर, ओके ओके, तो क्लास हम यहाँ पे ओवर करते हैं, फिर अगली बार हम नए सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडी एंड स्टे हैप्पी। ओके, सब लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए अध्ययन क्लासेस। ओके, बाय बाय, सी यू विथ अ न्यू टॉपिक, बाय।